श्री राम जन्मभूमि पूजन को लेकर पूरे देश में जश्न मनाया गया। श्री राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होते ही भारतवासियों में खुशी की लहर देखने को मिली। सालों का सपना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर भारत के नागरिकों में जो आस्था थी वह आज पूरी हो गई। भारत के साधु संतों से लेकर सभी राजनीतिक दलों ने राम मंदिर निर्माण को लेकर शुभकामनाएं दी। साथ ही ऐतिहासिक कार्य पूरा होने पर नागरिकों ने मिलकर मंदिरों में दीप जलाकर अनुष्ठान आदि किए। वहीं नरसिंहपुर जिले के ग्राम श्यामनगर में जन सेवा समिति द्वारा अखंड रामायण पाठ एवं 551 दिए जलाकर आरती की और सभी ने मिलकर देश में सुख शांति की कामना की। वहीं ग्रामवासियों का कहना था कि देश में चल रहे कोरोना वायरस के कारण कोई भव्य कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते, लेकिन दिए जलाकर भगवान श्री राम का पूजन अर्चन तो कर सकते हैं। बस यही सोचकर सभी ग्रामवासियों ने भगवान के श्री चरणों में 551 दीपक समर्पित किए और उनका कहना है कि इसी तरह हर वर्ष 5 अगस्त को ऐसी ही खुशियां मनाई जाएं और 5 अगस्त को छुट्टी भी रहना चाहिए। और कितने दीप प्रज्वलित किए और किस उद्देश्य से किए हैं? आज हमारे ग्राम श्यामनगर में हम सभी ग्रामवासियों ने, माताओं बहनों ने 551 दीप रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित किए हैं और हर वर्ष 5 अगस्त को ऐसी ही खुशियाँ मनाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने जो चमत्कार किया है, जो रामचंद्र जी अयोध्या में रामचंद्र जी की जन्मभूमि में आज जन्मभूमि का पूजन किया है, वो सारे भारत में कोई नहीं भूल पाएगा। तो हर 5 तारीख को, 5 अगस्त को सभी लोग जैसे तिरंगा झंडा में खुशियां मनाते हैं, ऐसे ही 5 अगस्त को सभी लोग रामचंद्र जी के गाना बजाना करेंगे और 5 अगस्त को भी खुशियां मनाएंगे। जी, आपके कहने का मतलब ये जो 5 अगस्त है ये यादगार दिन रहेगा, आज का इतिहास में लिखा जाएगा। हमारा ये मतलब है कि इतिहास में जरूर लिखा जाएगा और ऐसे ही कार्यक्रम हर वर्ष होना चाहिए और 5 अगस्त को समस्त भारत में छुट्टी भी रहना चाहिए, जो कि स्कूलों में कार्यक्रम हो, राम मंदिर में कार्यक्रम हो, शालाओं में कार्यक्रम हो। हम डॉक्टर संदीप कुमार सराठे श्यामनगर से, नमस्कार। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी पंडित जी, क्या जानकारी आज ग्राम श्यामनगर में? आज के ग्राम श्यामनगर में कल से अखंड रामायण पारायण प्रारंभ कर दिया गया जी, जो आज यहाँ संपूर्ण हुआ जी। और उसके बाद 551 दीपकों के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी का महाआरती हुई, जिसमें कि समस्त ग्रामवासियों ने मर्यादा का पालन करते हुए दूर दूर खड़े होकर के भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन अर्चन किया, जिसमें समस्त ग्राम की ओर से हमारे रब्बू भाई का विशेष सहयोग रहा।